देखते हैं अभी तो हो जाएगा गुड इवनिंग सर। इस वीक अगले वीक तक हो जाएगा सर ये। हाँ गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग। पेपर भाई मैच किया सॉल्यूशन वगैरह क्या हाँ सर क्या है मार्क्स वार्क्स ठीक है मार्क्स बस 50% जितने में क्या होते हैं 50 नंबर होते हैं 50% में हाँ एवरेज 55 या उतना ही है बाकी लोगों का बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्या बेटा टेस्ट वेस्ट में ऐसे सर क्या हुआ क्या हुआ बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्या ऐसे टेस्ट वेस्ट में किसमें नंबर क्या है तुम्हारे नंबर लिखाओ मेरे को पहले मैसेज करते हैं क्या मैं इधर बोलो ना यहाँ लिख लेते हैं अपन गूगल के ना गिन लेता पार्ट के गिन रहा हूँ सर मेरे 52 52 चिन्मय के कितने 48 बता दे जाओ सर मेरे 50 मेरे 39 एक वो कौन रह गया खुदे मैं एब्सेंट था तो 39 36 और जितने नहीं आए वो थोड़ी दिए थे इसलिए उसका लगा 58 किसके हर्ष वशिया और पीयूष नहीं है क्या पीयूष ने टेस्ट नहीं दिया क्या पीयूष और सर मेरा 44 तुमने 44 सॉल्यूशन मतलब पेपर सोल्व किया दोबारा बड़ा तो नहीं किया लेकिन जो नहीं आता थे ना उस पे एक दो बार ट्राई की पूरा टाइम दिया था 1 घंटा सॉल्व करने के लिए एग्जाम में हाँ वो पूरा फिर देख लिया जितने नहीं हुए थे वो कैसे हाँ तो रेडिएशन वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ रही है तो ये बताओ कि 1 घंटा दिया था नहीं दिया था दिक्कत मत बताओ ये बताओ पूरा टाइम दिया था पेपर में हाँ सर फिर दिया था 1 घंटा दिया था 1 घंटा दिया था पेपर टफ लगा एवरेज लगा या इजी लगा आपने मीडियम एवरेज से थोड़ा ऊपर टफ से थोड़ा नीचे वैसे पेपर एवरेज था टफ नहीं बोल सकते उसको बेसिक क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन तो अपन ने दिक्कतों वैसे किए पहली बात तो एक एडवांटेज था कि कुछ क्वेश्चन तो डिक्टो किए अपन ने यार इसमें ना 50 से कम तो होने ही नहीं चाहिए तुम्हारे नंबर एटलीस्ट पेपर इतना लेवल का था नहीं ऐसा जो अपन बोले कि 50 से कम तो होने ही नहीं चाहिए तुम्हारे नंबर तो जबरदस्ती 48 36 39 44 पेपर एनालिसिस कर लेना सॉल्यूशन है उसमें जिसके सर सॉल्यूशन में ऐसा है ना वो जो नहीं है उनका अब बता दोगे जो नहीं है उनमें से भी डाउट है क्या हाँ सर बता
एक मिनट और निकाल देता हूँ। पीयूष आ गया। सर क्वेश्चन नंबर सिक्स आप बता सकते हैं? वो तो आंसर सीट है सिर्फ। मेरे को पेपर मिल जाए ना एक बार पेपर मेरे पास ना पड़ा। वो क्लासरूम में ग्रुप में खाली। हाँ सर। हाँ सर। चाय के लिए पानी लेके आया तो। पानी नहीं क्या सर? हाँ बोलो। आपने आज जो बोर्ड क्लास में जो बोला कि इस वीक में जो भी टेस्ट होगी वो संडे को एक साथ सबमिट करना आनी है। हाँ। तो अभी आज जो कैंप की टेस्ट हुई वो भी क्लासरूम पे अपलोड करनी है कि डायरेक्टली अभी मैं डायरेक्टली आना? मैंने तुम्हें बोल तो दिया था क्लास चालू होने से पहले आज ही। मैंने कहा तुम्हें क्या करना है? अरे तब मैं नहीं आया था सर। नहीं आया था, जिस बच्चे जो बच्चे आए थे उनसे पूछो सर। इंटीरियर सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना? हाँ इंटीजर टाइप पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना? हाँ इंटीजर की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अमन कौन सा है इसमें बता सर? सिक्स। तो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। हाँ इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती? नहीं होती है। तो फिर मेरा 59 है। मेरे 52 है। फिर मेरा 40 है। मैंने नेगेटिव नहीं किया। इसमें लिखा होता था ऊपर कि कोई डिडक्शन नहीं होता है इंटीजर के लिए, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ओ सर ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। हाँ सर सिक्स्थ वाला। सारे सेम। इसमें क्या बोला हुआ है कि रेडियस यूनिफॉर्मली लेफ्ट राइट फिगर रोज इट्स एंड आर मेंटेन एट टेंपरेचर T1। एच क्या बोला हुआ है यहाँ पे? ग्राफ कर करना ना सर। हाँ यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना H H जो है वो स्टेडी स्टेट पे हीट फ्लो बेटा बराबर ही तो होता है। डिस्टेंस का क्या हेलो क्या मतलब होता है? ओके बी आंसर आ जाना चाहिए। और क्या है वो तो बराबर ही चलता है। फर्स्ट वाला करवा दिया। हाँ फर्स्ट वाला करवा दिया मैंने। ओके सर दोबारा करवाना है तो 10 रुपए। हाँ हाँ सर नहीं करवाना सर। क्वेश्चन 8 में भी डाउट है। पहले 7 वाला क्लियर हो गया। हाँ सर वो कांस्टेंट था ना वो डाउट था। 14 फर्स्ट वाले में क्या था? हाँ सर फर्स्ट वाले में वैसे प्रॉब्लम क्या था मुझे भी सर। इस प्लेयर ऑफ द इक्वल एरिया ऑफ टॉर्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल रिजल्ट इन द लॉगनिंग द टेंपरेचर थीटा ऑफ द इंटरफेस। थीटा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया है। इसमें इसमें थीटा का एक्सप्रेशन इसमें अपने को इंक्रीजिंग मेरी बात सुनो। थीटा का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। थीटा का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। उसमें सर सॉल्यूशन में निकाला हुआ है थीटा का एक्सप्रेशन है। उसमें कोई बताएगा थीटा का एक्सप्रेशन क्या है उसमें? सर 100 माइनस 900 अपॉन 100 माइनस 900 हाँ सिर्फ 900 सिर्फ 900 में डिनोमिनेटर है 100 में नहीं है। 1 प्लस लैम्ब्डा नॉट के आई अपॉन के नॉट लैम्ब्डा आई। लैम्ब्डा नॉट के आई अपॉन के नॉट लैम्ब्डा आई। K not lambda i। ये मतलब ये 100 में से माइनस करना है सर तो वापस उल्टा हो जाएगा अगर। अरे 100 माइनस ये पूरा जो लिखा ना। हाँ नहीं तो देने दे। अब मैं समझ गया तुमसे नहीं पूछ सकता हूँ। मेरे को दूसरा सॉल्यूशन वाला खोलना पड़ेगा पेपर। अरे सर सही बोला था आगे सिर्फ 100 माइनस लगाना है बस।
लाइट होना चाहिए। सर आप डार्क मोड में चलाते हो गूगल? क्या? उसे ऐसा देता है कि मैंने रिसर्च किया है कि बैटरी ज्यादा चलती है उसमें। हाँ, डार्क मोड में सब चीजें मैं रखता हूँ। थोड़ी सी थोड़ा सा बैटरी ज्यादा चल जाती है उसमें डार्क मोड में। मोबाइल में भी ऐसा हो जाता है? हाँ सर, मोबाइल में। जिनमें क्या बोलना चाहेगा तू? सही बात है कि गलत बात है? मेरे को ऐसा लगता है कि वाइट पिक्सल जो होते हैं वो एनर्जी ज्यादा लेते होंगे, थोड़ा आंखों के लिए हिसाब से भी डार्क मोड में सही रहता है। ये तो आपने क्वेश्चंस खोले शायद। आंसर इसमें सॉल्यूशन भी अपने पास लाला। नीचे नीचे। हाँ सर लाला। इसमें वो देखना था मेरे को एल आई और एल नॉट क्या बोल रहे थे, मेरे को पता नहीं लग रहा था ना एल आई और एल नॉट इनिशियल और वो लेयर की थिकनेस है नहीं तो। हाँ सर, एल थिकनेस है और के लेयर की थिकनेस है। अब देखो इसमें इन्होंने बोला है कि थीटा को कम करना है। थीटा कम किससे होगा? थीटा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन से चलना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द आउटर लेयर। आउटर लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि नोट बढ़ा दिया जाए है ना आउटर बाय इंक्रीजिंग। तो पहले एक्सप्रेशन में देख लेते हैं अपन है। अब इसमें देखो थीटा इक्वल टू 100 माइनस, मतलब अगर ये फैक्टर कम हुआ तो थीटा बढ़ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इस फैक्टर को आपको कम करवाना है, इसको कम करवाना है, मतलब नीचे वाला पूरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। सर इसको ज्यादा करवाना पड़ेगा ना, तो 100 में से माइनस होकर थीटा कम होगा। थीटा को अपने को थीटा को लोअर करवाना है ना। हाँ, तो ये माइनस वाले को नीचे वाला मिनिमम आना चाहिए। ये पूरा फैक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। यस सर। और मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला फैक्टर मिनिमम होना चाहिए। तो अब इसको मिनिमाइज करवाने के लिए देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे। के आई तो ऊपर है, के नॉट नीचे है ना, तो किसको इंक्रीज होना पड़ेगा? के आई को या के नॉट को? K0 को बढ़ना पड़ेगा। और अगर देखें हम लेयर को कम होना पड़ेगा L0 और LI के हिसाब से देखें, वैसे L0 और LI बराबर होने चाहिए थे टू लेयर। नहीं बराबर नहीं है, बराबर तो बचा के ईच लेयर इज ऑफ द इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इन रिजल्ट। ठीक है, एरिया इक्वल है ना, एरिया इक्वल है ना। L तो अगर इसको मिनिमम करवाना, एल आई ज्यादा होना चाहिए। एल आई किसकी थिकनेस है? अंदर की, इनर। अंदर की, तो देखो सी और डी तो गलत हो गए। हाँ सर। और बचा क्या फिर थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से बचेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी की के नोट ज्यादा होना चाहिए आउटर की। तो आउटर की ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ए आंसर आ जाएगा फिर, आएगा ना। इसके बाद बताओ सर, ये बात इसके बाद वो 14th वाला क्वेश्चन पढ़ने में भी केटल वाला फोर्थ केटल वाला डाउट है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या है, उसी का सुनूंगा मैं। हाँ सर बोलते हैं। सिलिंड्रिकल ट्यूब वाला। हाँ सर, फोर्थ वाला। एथ वाला। अरे एक बोलो ना कोई। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ के बताओगे तब? मेरे मेरे नंबर उल्टे सीधे हैं, तुम्हें पता नहीं लग रहा क्या? 11 के बाद 14 आ रहा है इधर। अरे क्वेश्चन पढ़ दो ना, कौन सा डाउट है तुम्हारा? डायमीटर। हाँ सर, ये 14 वाला डायमीटर। A cylindrical tube of the diameter 320 meters, lined with the 3 centimeters of the insulating material of the thermal conductivity. It is maintained at the 20 degrees Celsius, although the outer temperature is the minus 30. What is the rate of the heating required to maintain the inner temperature?
अंदर वाला टेम्परेचर 20 रखने के लिए क्या हीट रिक्वायरमेंट होगा, मतलब अंदर से व्हाट इज द रेट ऑफ हीटिंग रिक्वायर्ड? हाँ देखो इसमें क्या होगा, हीट बाहर चला जाएगा ना मटेरियल से, ऐसे हीट बाहर चला जाएगा ना, तो आपको क्या है कि जितना बाहर जा रहा उतना ही वापस अंदर दे दें अपन, तो अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना? यस सर, जितनी रेट से बाहर हीट चली जाएगी उतनी ही रेट से अगर आप अंदर वापस दे दोगे तो अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? यस सर। तो आपको ये बस dq by dt निकालना था, इस dq by dt निकालने के लिए अपने को पता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। अब हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a डिवाइडेड बाय 4 पाई के ab होता है इसका फॉर्मूला, होता है ना? होता है, नहीं होता? होता होता है, होता है। सिलेंड्रिकल ट्यूब है सर, गलत हो जाता ना अभी तो। करना पड़ेगा और कर्व सरफेस के अलोंग वो अपन सॉल्व करते थे dx अपॉन k इनटू 2 पाई आर एल एक्स करके, सर ln में आ जाएगा, log में आता है। हाँ सर, 1 बाई 2 पाई के एल ln b बाई ये log में रहा ना, मतलब समझ गए ना करना क्या है बस। ट्राई मारना सॉल्यूशन है इसमें तुम्हारे पास, ट्राई दोबारा मारना सर। टू लीटर वाटर, टू लीटर वाटर कैप्ट इन अ किटल इज हीटेड बाय 1 किलो वाटर। हां कौन से नंबर का है तेरे उसमें पेपर में? मेरे में 8 है। 8वां 2 लीटर वाटर कैप्टन है। हाँ हाँ सर। केटलीज हीटेड बाय मतलब नेट निकाल सकते सीधा। इसकी पावर कितनी है? 1 किलोवाट। और लॉस रेट क्या है? dq by dt क्या दे रखा है? लॉस रेट 160 जूल पर सेकेंड माइनस में। टाइम आपको पूछा गया है जिसमें द टेम्परेचर ऑफ द केटल फ्रॉम चेंजेस टू, अच्छा ये सॉरी देखो 1 किलोवाट एनर्जी इनपुट है और 160 जूल पर सेकंड लॉस हो रहा है एक तरीके से ओपन होने की वजह से, ऐसा ही है ना? यस सर। तो नेट आ कितनी रही है एनर्जी, है ना? 840। 1 किलोवाट ये 10^3 पावर इनटू टाइम, है ना? पावर इनटू टाइम ये टोटल इनपुट मिल रहा है, इनपुट में से बाहर निकलने वाली ये माइनस कर दो। अच्छा पावर ही सॉरी ये भी तो पावर है ना 160 जूल बाई सेकंड, तो 10^3 और 160 जूल बाई सेकंड ये भी तो वही है ना पावर। हाँ सर। तो ये 160 ये इनपुट मिल रहा है, इस इनपुट से अपना टेम्परेचर 27 से 77 तक जाता है, समझ रही बात ये? ये पावर है ना, तो एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई इधर टाइम कर दें तो ये भी पावर हो गया। आपको ये टाइम चाहिए, एम आपको पता है 2 लीटर उसमें पानी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, टी निकालना है बस यहाँ से। इसके बाद बताओ सर, व्हेन टू एंड्स ऑफ रॉड रैप्ड विद कॉटन ऐसा है टू, तेरे में कौन सा क्वेश्चन है? दोबारा बोलना क्या था क्वेश्चन? When two ends of a rod wrapped with cotton are maintained at different temperatures. When two rods. When two ends of a rod. When two ends. When. Where is when? तुम्हारे में कौन सा क्वेश्चन नंबर है तो मेरे को जल्दी पता लग जाएगा। Five. इधर इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, 5 में तो ऊपर मिलेगा।
हाँ ये वाला अभी ऑप्शन आए थे उसके when two rods of the two ends of a rod are wrapped with a cotton maintained to different temperature after some time the every point of the rod has a constant temperature then the conduction of the heat at different points of the rod stops because the temperature is not increasing nahi ye steady state ki baat puchi aapse dynamic process स्टेडी स्टेट में क्या होता है हीट फ्लो रेट इक्वल हो जाता है बट अलग अलग सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होता है होता ही नहीं होता है डी ऑप्शन इसलिए देखते ईच पॉइंट ऑफ द रॉड इज गिविंग हीट टू इट्स नेबर एट द सेम रेट एट विच इट इज रिसीविंग हीट ये तो एक ही पार्ट बोला है तो एक ही पार्ट आंसर है ना इसमें एक और क्या हो सकता था ईच सेक्शन का टेम्परेचर भी अलग अलग हो सकता है different aisa isme question it is being radiated from each point of the rod nahi ye dekho most jo correct answer hai wo aapko dena padega isne theek hai heat is being radiated nahi radiated nahi sorry radiated bola hai sorry radiated to aayega nahi na cotton se wo kar rakha tha usne cotton se wo kar rakha tha na coating aur ye to conduction hai अरे समझ आ गई बात की सर फिर ये वाला द फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रुक जा बोल द फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे में 14th है ना सिस्टम ऑफ द टू कॉन्सेंट्रेट यही ना 109 तो अरे मेरे लाल पीले नीले हरे गुलाबी इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 पाई के ए बी होता है नहीं होता द रेडियल रेट ऑफ फ्लो मतलब डी सर ये कैसे याद रखता है बी माइनस ए अपॉन 4 पाई अबे नमोनो मैंने बोला नहीं था ब्रैकेट डाल के कि मैंने का याद रखना ही है बोला नहीं याद भी होता तो निकालो दोबारा और क्या है मैंने बोला नहीं था याद रखना है अब जो चीज बोली कि याद रखना है मतलब रखनी है उसमें अब ये कैसे याद होगा उसमें क्या आर्गुमेंट कर रहे हो ऐसे डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर जब आर को नीचे पुट करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा ए बी तो ऊपर चला जाएगा और बी माइनस ए नीचे आ जाएगा ना हाँ सर तो सी आ जाएगा तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ला ला ओ भाई कल देखो तुम्हारा भी टेस्ट है ओ सुन लो मार देती हूँ देखो तुम्हारा भी टेस्ट है समझ आ गई ना बात ये समझ आ गई नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता है वेडनेसडे को तुम्हारा टेस्ट है कि नहीं हाँ हाँ सर पता है सर अभी पता नहीं लगा बोर्ड वालों के लिए ना वो जिन में नहीं आया था नहीं सबके लिए बोर्ड नहीं सबके लिए बोर्ड में 2 3 4 एस बस जितने भी बच्चे 11th क्लास में मिड आईटी में एडमिशन ले रखा है 2021 तुम 11th क्लास में हो इसका मतलब तुम्हारा भी टेस्ट है बोर्ड क्वेश्चन चैप्टर 2 3 4 सर फाइनल आ रहा ना अपने निकल दिया नहीं भाई वो नहीं है एनसीईआरटी सॉल्ड एग्जांपल न्यूमेरिकल प्लस बैक एक्सरसाइज प्लस बैक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल का टेस्ट है एडिशनल आगे ही बात करने में तुम्हें हिट का चैप्टर 4 के बैक एक्सरसाइज में प्रोजेक्टाइल तो था ही नहीं क्या बेटा उसमें वेक्टर से पूछा है चैप्टर 4 के बैक एक्सरसाइज में हां प्रोजेक्टाइल पूछे थे ऐसे कुछ भी नहीं है उसका मतलब एक ही क्वेश्चन है लास्ट वाला डायरेक्ट आपने तो देख मेरी बात सुन जो एनसीईआरटी में बस वो जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं आएगा जो है वही आएगा आ गई ना बस हां एडिशनल नहीं दे रहा हूं सिर्फ बैक एक्सरसाइज और एडिशनल छोड़ देना ठीक है ये तुम्हें कैसे अभी बीच में नहीं बोला अब ये तुम्हें कैसे करना है पेपर इस बार से वो सप्ली में लिखने टेस्ट तुम्हें इस बार से अब सारे थ्योरी वाले जितने भी टेस्ट हैं
सप्ली में तुम लिखोगे नाम तुम्हारा, किसका टेस्ट, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सी डेट को है और कौन सा टेस्ट है, पीटीआर टीएसटी जो भी नंबर है कि ये पीटी हमारा 14 है और साइन। क्लास हो गया ना, क्लास नहीं बचिया हो सॉरी, और तुम्हारा क्लास था ठीक है, ये तुम्हारी कॉपी के सबसे ऊपर मेंशन हो जाना चाहिए, ये नहीं दिख रहा तो कॉपी चेक नहीं करते, फट जाएगी, फट जाएगी। और जहाँ तुम्हारा टेस्ट खत्म हो जाए कॉपी में पीछे 2 पेज 4 पेज 10 पेज जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो लिख पाओ, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने पापा मम्मी के पास जाना है, पापा मम्मी से बोलना है कि इस पे साइन कर दो, हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिया। एक का चलेगा ठीक है, फिर रेंडम किसी के भी घर पे फोन करके ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने आपसे साइन करवाए थे नहीं करवाए थे ना, अरे यार तुम्हें ना बीच बीच में या तो ना तुम बोल दिया करो, मेरे को दिल बोल दिया, फिर ना बाद में पूछते रहते हो ये वो, एक बार में पूरी बात सुन लिया करो पहले ढंग से कान खोल के, फिर ये टेस्ट की कॉपी तुम्हें संडे को एक टाइम फिक्स कर देंगे हमारे यहाँ से, इस टाइम स्लॉट के अंदर तुम्हें यहाँ पे आके सबमिट करवा देना है, इस वीक में जितने भी टेस्ट हुए सबकी कॉपी एक साथ संडे को यहाँ पे सबमिट करवा दे, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, पहले कोई डाउट हो तो ये पूछो कि किस चीज को कुछ बात समझ नहीं आई मेरा बीच में, मतलब इस वीक के मतलब आज मंडे है 7 तारीख से और 13 तारीख तक के जो भी टेस्ट होंगे, उसके बाद बोलो ठीक है। 22 लास्ट सर, हाँ इंटीजर में 22, अरे उससे पहले भी पूछना है जो क्वेश्चन पढ़ के बताएगा, उसी का आंसर बताऊंगा, नंबर मत बताओ। हाँ सर इस वीक तो जेई का नहीं है टेस्ट, तो नेक्स्ट वीक का आप सिलेबस बता सकते हो अभी से, नेक्स्ट वीक जेई का या एडवांस का? हाँ मतलब एडवांस का टेस्ट और बोला था एक बार सर बोर्ड क्लास में ईट प्लस सर, एनर्जी इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अरे नंबर बोल। 22 तो बोला, वो तो ढूंढना पड़ेगा मैं, ये एनर्जी इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 127 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर एट द रेट ऑफ दिस टेंपरेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट व्हिच द रेट ऑफ एमिशन इज This will be वो लगाना है beams displacement और क्या लगा के दिखाना है एक बार, वो नहीं आता है ये temperature दिया हुआ है। हाँ सर temperature दिया हुआ है और इसने बोल नहीं sorry beams displacement नहीं लगाना, वो लगाना है Stefan slow लगाना है। Q by dt is directly proportional to t की power 4, तो पहले में क्या दे रखा है 10 की power 6 है ना equal to इधर क्या लिख लोगे 127 प्लस 373.15 की पावर 4 और इसमें सेकंड वाले में क्या दे रखा है रेट 273.15 16.10 की पावर 6 ये दे रखा है ना सर, वो 273 नहीं होता सॉरी हाँ 273 पावर 4 ले लें तो ये पावर 4 कट जाएगा और ये तो वैसे कट ही है और ये 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200 300 400 होगा ना 1/2 होगा ना
अरे हाँ अरे हाँ, तभी मैं सोचू 1600 आंसर आ रहा है, तो ये आ गया तुम्हारा 800, वापस 273 निकालना पड़ेगा। अरे सर इसमें आंसर किसमें पूछा था? सेल्सियस में सर, केल्विन में मैंने दिया है 800, तो गलत हो गया ना बेटा। वो तो सर पर सेंटीग्रेड थोड़ी पूछा है, नहीं इन डिग्री पूछा था। देखिए इन डिग्री लिखा हुआ है ना, तभी तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन डिग्री, तो डिग्री में बोलोगे तो हां केल्विन भी हो सकता है, फारेनहाइट भी हो सकता है। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, हां तो फारेनहाइट में लिखा था, तो तेरा गलत ही है। जब बोल दिया डिग्री में आंसर दो तो डिग्री में दो ना, केल्विन में क्यों दे रहे हो फिर? तो वो तो तुम्हारी मिस्टेक है, तुमने देखा नहीं। मैंने यूनिट भी लिखा है 800 के, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा बेटा, इंटीजर टाइप में यूनिट तो लिखती ही नहीं है। मेरे को लग रहा है तो पहली बार टेस्ट दे रहा है इसलिए देखो पता नहीं लगा कि कैसे आंसर देगा। वो तो गलत हो गया बेटा, 800 तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसके बाद बताओ पढ़ता हूँ एक सेकंड। सर इसके नीचे का ही है, कप ऑफ टी कूल्स, चलेगा वो, चलेगा वो, आ गया इसके नीचे आए राइट, कप ऑफ टी राइट, चलेगा हाँ चलेगा चलेगा, मत करो अब मैं समझ गया वो वाला। ये तो एनालिसिस से लगाने है ना। हाँ अरे भूल गया था, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये तो 5 डिग्री एलएन वाला से तो एलएन वाला लग जाएगा और क्या। चलो बताओ एलएन वाला कब लगता है, वापस बताओ, वापस बताओ, नहीं पढ़ लेना जाके, वापस बताओ साला। वो लिखा नहीं है एलएन वाला, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तुम लोग। जब वहाँ पे चीख चीख के बोला था कि 5 डिग्री डिफरेंस हो तब वो अप्रोक्सीमेट वाला लगाना, अदरवाइज एलएन वाला लगाना। बोला था सर, बिल्कुल ही पैदल हो गए हो दिमाग से तुम लोग, मतलब एडवांस की तैयारी कर रहे हो या ऐसा लग रहा है कि दूसरी डी की तैयारी कर रहे हैं? पर वहां क्यों मेंशन किया था, क्वेश्चन भी कराया था कि ये ध्यान रखनी है बात। इसके बाद बताओ 25 मतलब हमारा 25 पढ़ता हूँ, टू आइडेंटिकल स्क्वायर रूट ऑफ द मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड 20 कैलोरी। अरे यार अमन टनाटन, अमन टनाटन, अरे आइडेंटिकल ने रेजिस्टेंस आर और आर, हां 2R और ये आर बाय 2 और इसका आर बाय 2 होगा नहीं होगा, तो 20 कैलोरी ऑफ द हीट फ्लोस थ्रू इट इन 4 मिनट, इसमें 4 मिनट में 20 कैलोरी मतलब dq by dt कितना है इसका 20 divided by 4 मिनट में, हां और ये क्या होता है डेल्टा t divided by r equivalent, मतलब ये 2r है। और इसके लिए भी लिख लीजिए, इसके लिए तो द सेम अमाउंट ऑफ द हीट 20 divided by टाइम इक्वल टू डेल्टा t divided by r by 2, अब दोनों को डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे अपन, तो t by 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा t by नहीं क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे ना बेटा, तो 1 by 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। हां ये आ जाएगा 1 मिनट, हां 1 मिनट। अब विजान देगा आंसर में, यहां पे लिखा हुआ है सेकंड में देना विजान, इसलिए मेरा गलत हो गया। ए मैंने भी 1 लिख दिया। एक्चुअल में तुम्हें एक 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 अच्छी बात बताऊं, हां सर हां, इसका आंसर 1 मिनट ही आता है, बट मैंने जानबूझ के चेंज किया था क्योंकि तुम जल्दबाजी में 1 आंसर लिखोगे, मैंने इसीलिए 6 सेकंड लिखा और यहां पे आंसर 60 लिखा। सर मेरा 44 हो गया, 1 मिनट ही होना चाहिए, इंटीजर टाइम में 0 टू 9 ही होता है। हां सर 40 ऊपर पहुंचा दो, मेहरबानी होगी सर प्लीज।
और कौन सा बताओ? और नहीं, और अब और नहीं है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री आती नहीं अपने को, नहीं तो कुछ आता नहीं केमिस्ट्री में। चार मिनट है, रीजन कर ले। हाँ रीजन कर लो, रीजन कर लो। कहाँ पे थे अपन इसके बाद, जब केटीजी चल रहा था ना अपना? हाँ वो बड़ा सा डेरिवेशन करता हूँ। हाँ लास्ट में तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विल इंक्रीज, नोट में 3 पॉइंट था, बस पहुंच गए इधर ही थे, इतने ही थोड़ा सीरियस हो जाओ यार बेटा। मैं अमन को तो समझाया उस दिन, पर ये लगा नहीं मेरे को, मेरे को लग रहा है आधा घंटा मेरा खराब चला गया। नहीं नहीं तुम्हें ना जितनी मेहनत तुम अभी करते हो ना बेटा, उससे डबल मेहनत ट्वेल्थ में करनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है कि अभी जो पढ़ा रहे हो तुम सीरियस नहीं हो रहे हो इतना ज्यादा, तो ये मेहनत तुम्हें फिर दोबारा करनी पड़ेगी ट्वेल्थ में, क्योंकि टेस्ट ट्वेल्थ कब चलेगा? सिलेबस आते हैं ना जेई के सिलेबस में, दोनों आएंगे, इलेवंथ भी आएगा ट्वेल्थ भी आएगा, तीनों सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का आएगा। छह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, इलेवेंथ का पढ़ोगे या बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड भी इम्पोर्टेंट है फिर उधर ट्वेल्थ का। तो तुम्हें अभी लग रहा है कि हम कर लेंगे, बट हमें लग रहा है कि तुम अभी बहुत कम कर रहे हो तुम्हारा एफर्ट। अभी जितना एफर्ट ज्यादा डालोगे ट्वेल्थ में उतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब तुम अभी इस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, जिस हिसाब से ऐसा लगेगा ट्वेल्थ में जाने के बाद कि अब इलेवन का कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है मतलब पढ़ने बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि तो सब कुछ नया है मार लिए। इस हिसाब से तुम तैयारी कर रहे हो, थोड़ा एफर्ट डालो ताकि ट्वेल्थ में जब रिविजन करो तुम तो ऐसा ना लगे तुम्हें कि ऐसी चीजें हमने पढ़ी नहीं पहले, सब चीजें ऐसी लगे कि एक बार रिवाइज करते ही याद आना स्टार्ट हो जाए, क्या इसको ऐसे करते हैं इसको ऐसे करते हैं, तो वहां पे तुम्हारा काम ज्यादा इजी हो जाएगा। और अपन ऐसे तो ही नहीं कि अब ट्वेल्थ में जाके इलेवंथ का दोबारा पढ़ाएंगे, फिर टाइम मिलता है तो पढ़ा पाएंगे, टाइम नहीं मिलता है तो कैसे पढ़ा पाएंगे फिर बताओ। ओके सर, तो ये पेपर टेस्ट पेपर जो होते हैं उसका एनालिसिस तो क्या करो, गलत कहाँ हो रहा है, क्या गलत हुआ, टेस्ट खत्म होते ही ये चीज तो होनी चाहिए यार, एक डेढ़ घंटा लगाया करो टेस्ट खत्म होने के बाद, उसी टाइम नहीं तो उसके शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा एक डेढ़ घंटा लगाया करो, सॉल्यूशन डल गए तो देख लो कि कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ गलती हुई है, कौन से डाउट है, तुम ये तो करते ही नहीं हो, हमें बोलना पड़ेगा नंबर कितने आए। सर वो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो जब वो आर का मतलब आर के फॉर्म में बाद में डेरिवेशन करना होता है ना, वो वाले आर के फॉर्म में वो मतलब डीटी बाय डीएक्स या फिर मतलब वैसे करके रेजिस्टेंस निकालने के लिए डेरिवेशन करते हैं ना, उसमें मतलब थोड़ा डाउट है। अरे ये फाइंड आउट करना कि क्या डाउट है,
आई बस आने में सर मेरे से रेडिएशन वाले क्वेश्चन नहीं हिलते हाँ रेडिएशन वाले एग्जीक्यूशन नहीं हिलता है तो उसको ज्यादातर प्रोपोर्शनलिटी होती है वही नहीं पता होती है हमने लिखा नहीं हो नोट्स को दोबारा पढ़ो एक बार और दोबारा ट्राई करो डिस्कशन तो बाकी यही से अपन करवाएंगे डिस्कशन में ओके सर ऐसा थोड़ी ना कि अपन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि एक बार नहीं हुआ तो जिंदगी भर ही मतलब एक बार हम करेंगे तो हो जाएगा एक बार जरूरी तो ना एक बार में हो जाएगा दोबारा ट्राई करो तिबारा करो दो तीन बार ट्राई तो मारा करो एक बार एटलीस्ट और नहीं आया तो ये वाला नोट्स को रेफर किया करो एक बार नोट्स को रेफर किया करो ये देखा करो कि कहीं ऐसा क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ चीज हमें पढ़ाई गई है कि नहीं पढ़ाई गई है जैसा क्वेश्चन है वो ओके देखो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अपन ने dN by dB और स्पीड के बीच में कर्व प्लॉट किया n तो था ना नंबर ऑफ पार्टिकल तो ये स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन dB स्पीड का स्पीड के साथ कर्व प्लॉट किया गया और वो कर्व कुछ इस तरीके से मिला समझ आ गई बात ये ठीक है मान लो ये जो ग्राफ है वो तीन टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया यहाँ पे dN डिफाइन करो dN जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होल्स स्पीड बिटवीन V to V plus dB. आई बस समझ में ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड क्या हो V से V plus dB के बीच में हो ऐसे पार्टिकल के नंबर dN है dN के dN समझिए तुम लोग dN क्या है ये बात समझ आई नहीं तुम्हें हाँ सर इस ग्राफ का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया मान लो ये मैंने एक स्ट्रिप कट करी इस स्ट्रिप में क्या है ये वाली स्पीड तो v है और ये वाली स्पीड v प्लस dv है और ये वो नंबर है ये पूरा एरिया क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड v से v प्लस dv के बीच में है तो इसका एरिया क्या दे देगा आपका एरिया ऑफ ग्राफ इक्वल टू दे देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स समझ रही बात ये आ गई बात समझ में तुम्हें है ना अब dN समझ आ गया हमें इसका एरिया समझ आ गया तो बेटा अब ये है ना कि एक फॉर्मूला है जो मैक्सवेल ने दिया है ना वो फॉर्मूला अगर याद रहे तो अच्छी बात है नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने काम आता ही नहीं है ये फॉर्मूला होता है 4 पाई n m अपॉन 2 पाई k की पावर 3 बाई 2 है ना v स्क्वायर e की पावर माइनस ऑफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 k t इंटू डीबी और बस ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन करना है ना हाँ अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हाँ अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इसे अपन रोटेट करवाएंगे फिर तो इस चैप्टर से हम सर बोलूं एक बात नहीं मत बोल तू वैसे भी फालतू की बातें बोलता है आजकल तो अगर काम की बात है हाँ बोल इस चैप्टर का वो शीट है उसके इसके साथ ही देख सकते आज जो टॉपिक हुआ उसके क्वेश्चन क्या है शीट में सर आज जो टॉपिक हुआ वैसे क्वेश्चन देख सकते और थोड़ा थोड़ा समझ नहीं रहा क्या बोल रहा है तू सर वो बोल रहा है कि आज मैक्सवेल वाला टॉपिक कर रहा है तो उसके क्वेश्चन आज ही दे दो अरे ऐसे कुछ नहीं होता मेरे को ढूंढने पड़ जाते हैं कौन से क्वेश्चन मैक्सवेल सर आपसे मेहनत करवा रहे हाँ क्या घुमा के बोल रहा है
ढूंढ लेना ना मैक्सवेल वाले कौन कौन से क्वेश्चन है, सारे ही कर लेना मैक्सवेल वाले क्यों करने के। अरे सर रखो रखो लिखते रहे, ऐसा पता हमें थोड़ी ना पता चलता है, हम तो पागल हो जाएंगे, ये हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। तभी तो अभी हीट वाला डिस्कशन करेंगे, केटी जी वाले इसके बाद करेंगे, तब तो पता लग जाएगा ना। हाँ सर मतलब आप ऐसा बोल दो टेक्सेस वन थोड़े दिनों बाद वो टॉपिक वाइज भी अगली वाली शीट से टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। पर उससे होगा क्या, तो सॉल्व करोगे तब काम के मत हो, ऐसे पूछने से क्या होगा कि सर ये क्वेश्चन ये वो, उसे क्या होगा ये बताओ, कर लेंगे पूछने की जगह सॉल्व ही कर ले, तो तेरे को ये भी पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन इसका है कौन सा इस चैप्टर का नहीं है। ओके सर ओके। केक क्या होता है, क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इनटू 10 की पावर जूल पर केल्विन है ना। अब इसमें एक टर्म आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तुमने शायद ये नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबल, सुना है सर। अरे तो फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, सिर्फ सुना है सर, नाम पढ़ा नहीं है। मतलब ये है कि इस ग्राफ को प्लॉट करने में जितने भी पार्टिकल हैं, उनमें से ऐसे पार्टिकल को ढूंढना है जिनकी स्पीड इक्वल है और वो सबसे ज्यादा है। समझ रही बात ये, जितने भी पार्टिकल हैं उनमें से आपको ऐसे पार्टिकल ढूंढने हैं जिसकी स्पीड क्या है इक्वल है ना, जिसकी स्पीड क्या है इक्वल है और वो नंबर ऑफ पार्टिकल उस पूरे सेट में सबसे ज्यादा है। आई बात समझ में नहीं, यही बात समझ में, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल ढूंढने हैं, मतलब आपको एक ऐसा सेट ढूंढना है पार्टिकल्स का जो सबसे ज्यादा हो और उनकी स्पीड इक्वल हो, उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो अपन लिख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास रूट ऑफ 2RT बाई एम नॉट। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हूज स्पीड इज सेम। एक मिनट सर, अरे अपनी फॉर्म बना के लिख लो, ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड, हाँ सर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हूज स्पीड इज सेम एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर। अब थोड़ा हो सकता है मेरी लैंग्वेज में गड़बड़ हो गया है, मेरे को लग रहा है, द स्पीड ऑफ द सेट ऑफ पार्टिकल्स हूज स्पीड इज इक्वल, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि बना के देख लेना मैक्सिमम, ऐसे सेट ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड सेम है और उनका नंबर सबसे ज्यादा है सेट ऑफ पार्टिकल्स का, उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। रूट ऑफ 2 ऐसे एग्जांपल करके लिख ले, जैसे कि 2 की 10 मीटर पर सेकंड है और 5 की 15 मीटर पर सेकंड है, तो 5 वाला लेना है। अच्छा नहीं, 2 की, हां 5 वाले लेना है, जो ज्यादा है उनके लेना है ना, चाहे वो स्पीड कम हो कि ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एवरेज और मीन स्पीड, एवरेज और 8 बाई पाई रूट 8 बाई पाई रूट 8 बाई पाई एम। अब एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, अपना ये फॉर्मूला याद रखना भाई, एवरेज निकालने का होता है V1 जितने भी पार्टिकल है उनकी स्पीड को ऐड करो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का डिवाइड कर दो। आई बात सुनने में, ये छोटा एन बड़ा एन इसको भी बड़ा एन कर लेना और ये फॉर्मूला मिलके आता है कितना, रूट और ऑफ 8RT बाय पाई एम। थर्ड क्या होता है,
अच्छा यहाँ पे एक चीज तो एक चीज लिख लो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी सेकंड पॉइंट में ही है ना हाँ ये सेकंड पॉइंट में ही है ना ये लिखा फैक्टर वाला हाँ सेकंड पॉइंट में क्या ऊपर वाला नीचे वाला बराबर फॉर्मूला मिलेगा नहीं तो उधर हमने पहले स्पीड लिखा है तो हम वेक्टर से क्यों कर रहे हैं ये जीरो होता है ये वेलोसिटी का सम है वेलोसिटी का सम क्या होता है जीरो ये एवरेज वेलोसिटी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये एवरेज वेलोसिटी है क्योंकि तुम्हें याद रहता है रूट ओवर ऑफ 8 आरटी बाय पाई है है ना ये देता है ना और वो दे देता ऊपर वेक्टर चुपचाप से वेक्टर चिपका देता है ऊपर और तुम वही सुबह चरस गांजा पी के आते हो तो तुम्हें याद होता है एनी डिग्री में पूछा है ये सेकंड में पूछा है ना और तुम लगा देते हो कि ये तो सही है चलो तो दोनों आंसर मैंने ऊपर वाला भी केल्विन में था उसमें भी तो 800 आ रहा था ना खेल गए सर हमारे साथ इजान का 10 मार्क का नहीं 10 नहीं 8 मार्क का गोटा 8 मार्क का क्या नुकसान हो गया यार उसके बाद आरएमएस वैल्यू RMS वैल्यू कैसे निकाली जाती है RMS इक्वल टू निकाला जाता है के स्क्वायर इसको उल्टा निकाला जाता है RMS पहले स्क्वायर का मीन स्क्वायर के स्क्वायर का मीन रूट फिर मीन और फिर स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है उसको सिंपलीफाई करने के बाद मिलता है रूट ऑफ CRT / M क्या आता है रूट ओवर ऑफ 2 RT / m नॉट रूट ओवर ऑफ 8 RT / पाई m और रूट ओवर ऑफ 3 RT / m नॉट ये फॉर्मूले रटने हैं क्या करने ही है सर मेरे को नहीं पता कैसे रटोगे पर रटने हैं ये n रूट के बाहर नहीं होता है कौन सा n बेटा जो डिनोमिनेटर में n है वो नहीं, ये नहीं होता अंदर ही होगा okay. अंदर ही होगा अंदर ही होगा ये लिख लो सबसे ज्यादा कौन सा होता है VRMS फिर कौन सा होता है मीन एवरेज है ना इसको मोस्ट प्रोबेबल सबसे बाद में मोस्ट प्रोबेबल एम किस में पुट किया जाता है केजी में या किलोवाट्स में ग्राम में केजी में केजी केजी अमन टनाटन यस सर याद रखना बेटा रिलेशन हाँ सर केमिस्ट्री में भी यही है इसलिए थोड़ा बाकी लोग क्या क्या बोल रहा है बाकी लोग याद ना रखे ऐसा पूछ रहा है अमन को बोला अरे अमन ने अभी बोला था ना कि वो सर b माइनस है अपन कैसे याद रहेगा इसलिए सबको याद रखना है भाई सबको याद रखना है और ईशान अरे भाई शांत शांत कितना नाराज क्यों हो रहा है सर उस कौन है ईशान ये ईशान कुछ ईशान ही था सर अभी भी गाना बज रहा है इसने म्यूट कर दिया गाना बंद नहीं किया नहीं बंद कर दिया तो ये कैसे चल जाते हैं तुम्हारे मेरे को समझ ही नहीं आती बात ये हाँ चलो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वीआरएमएस वी मोस्ट प्रोबेबल वी एवरेज एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डी
दीज टू गेसेस कौन ज्यादा है कौन कम है ये आपको बताने का है मतलब आरएमएस आरएमएस वैसे ही ना एवरेज से एवरेज वैसे कंपेयर करना हां हां आरएमएस का कंपटीशन आरएमएस से एवरेज के एवरेज से टेंपरेचर सेम दिख तो सेम ही रहा है हां सर इनके वो नंबर याद रहते नहीं रहते एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर यस सर हां सर हीलियम का बता देना आरएमएस का तो बता देना सही सही नहीं तो गलत हो जाएंगे आंसर अपने अरे अपना टाइम हो गया जल्दी से निकालो आरएमएस 3:1 आएगा आरएमएस नहीं वो निकालना है कंपैरिजन किसका ज्यादा है किसका कम है पेपर के सॉल्यूशन के बाद एक घंटा वर्क करना पड़ रहा है मेरे को भी आधा घंटा सॉल्व कर रहा है मैंने कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता कि केल्विन में आंसर देना है कि डिग्री में आंसर देना है और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि मिनट है या सेकंड तेरे को भी नहीं पता था ना तेरे दोनों गलत किए ना नहीं मैंने सेकंड वाला सही किया है मैंने 60 सेकंड लिखा है मैंने देखो जुगल और अमन को टारगेट दे दिया है 200 में से नंबर कम आए तो बस सभी गए करो जल्दी से करो नहीं तो ऐसा करो इसे होमवर्क में करके लिख के आना मेरे टाइम हो गया है जस्ट है ना होमवर्क में करके लेके आना आई बस होने में नहीं रिलेशन नहीं वो वैल्यू नहीं निकालनी है सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कौन ज्यादा है कौन छोटा है आप बोल देना तो 3 वाला बड़ा है पंकज सर को कितना वेट करें 5-10 मिनट उनके में भी है ना ओके सर बाय बाय